आज हम कच्चे आम की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाएंगे। ये चटनी खाने में इतनी टेस्टी है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये चटनी आप चाहे तो बनाकर पूरे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए कच्चे आम की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ हितल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइज के तोतापुरी कच्चे आम लिए हैं। वजन में देखें तो 600 ग्राम है। 150 ग्राम के करीब मैंने लहसुन लिया है और 3 इंच के करीब मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। आम को अच्छी तरह से धोने के बाद उसके छिलके हम निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने तोतापुरी आम लिए हैं क्योंकि वो कम खट्टे होते हैं, लेकिन आप चाहे तो नॉर्मल वाले आम में से भी ये चटनी बना सकते हैं। चटनी बनाने के लिए आप जो भी आम इस्तेमाल में ले वो इस तरह से फ्रेश यानी कि थोड़े से सख्त होने चाहिए। छिलके निकालने के बाद आम के हम बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही छोटे टुकड़े हमें करने हैं। अगर आप चाहे तो आम को कद्दूकस भी कर सकते हैं। आम को मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है और साथ में लहसुन और अदरक को भी उसी तरह से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। मिक्सर के बड़े वाले जार में हम इसे ग्राइंड करेंगे। आम ज्यादा है तो दो पार्ट में डिवाइड करके उसे ग्राइंड करेंगे। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। मिक्सर को कंटिन्यूस नहीं चलाना है, लेकिन इस तरह से चालू बंद करके इसे चलाना है ताकि आम अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। आम अभी हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। मैंने बताया उसी तरह से आपको मिक्सर को चालू बंद करके ग्राइंड करना है क्योंकि हम पानी नहीं डाल रहे हैं, तो अगर आप उसे कंटिन्यूस चलाएंगे तो इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। आम ग्राइंड हो जाए तब हम लहसुन और अदरक को भी उसी तरह से बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन और अदरक भी हमारे अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। एक नॉनस्टिक में हम 1/4 कप तेल डालेंगे और तेल गर्म होने पर उसके अंदर 1 चम्मच हींग डालेंगे। ये चटनी अभी मैं पूरे साल भर के लिए बना रही हूँ तो तेल की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है, लेकिन अगर आप कम दिनों में ये चटनी इस्तेमाल करने वाले हैं तो तेल थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। अब हमने जो आम ग्राइंड करके रखे हैं वो इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम रखनी है। आम डालने के बाद 3 से 4 मिनट उसे पकने दें और फिर उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने पर फिर से हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देंगे। पांच मिनट के बाद किनारों से इस तरह से आपको तेल छूटता दिखाई देगा, तब उसके अंदर हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। यहाँ पर अभी मैंने 2 टीस्पून के करीब नमक डाला है। मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर अभी मैंने 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर तो बहुत बढ़िया आता है, लेकिन चटनी ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च की बजाय नॉर्मल वाला जो मिर्च पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च डालकर उसे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो इस तरह से तेल आपको ऊपर छूटता हुआ दिखाई देगा। तब हम गैस बंद करेंगे और उसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब उसके अंदर हम 1/4 कप अचार का मसाला डालेंगे। अचार का मसाला किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने चैनल पे दिखाई है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट में जो रेडी अचार का मसाला मिलता है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको खट्टा अचार टेस्ट में पसंद है तो आपको ये चटनी भी बहुत ही पसंद आएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद उसे हम कांच की बोतल में निकाल देंगे। अगर आप ये चटनी पूरे साल भर तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसे कांच की बोतल में ही रखें और फ्रिज में रखें। अगर आप बाहर ये चटनी रखेंगे तो वो बिगड़ जाएगी। ये हमारी चटनी बनके तैयार है। ये चटनी आप खिचड़ी, पराठा, पूरी, थेपला या खाखरा के साथ खा सकते हैं।
आपको सिर्फ दो बातें ख्याल रखनी है कि इसे आप कांच की बोतल में ही स्टोर करें और फ्रीज में नीचे की साइड रखें, फ्रीजर में ना रखें। अगर आप ये चटनी बाहर रखेंगे तो वो बिगड़ जाएगी। और तेल थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा डालें तो पूरे साल भर तक आप ये चटनी का मज़ा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप आम की बहुत ही टेस्टी चटनी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।